नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, जिसमें 15 मुख्य बातों का जिक्र किया गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बेहतर बताया है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए भाजपा लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। भाजपा ने आज ढेका स्थित अटल कुंज कार्यालय में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें शहर के विकास के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र जारी होने के बाद भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला तथा भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह पटेल उपस्थित रहे। भाजपा ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भारी पड़ेगा। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने रीवा के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने अपने संकल्प पत्र में बताया कि महानगर की तर्ज पर नई सड़कों के निर्माण की तैयारी, आधुनिक बिजली व्यवस्था की तैयारी, पेयजल व्यवस्था की तैयारी, आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारी, 56 मार्केट इंदौर की तर्ज पर प्रस्तावित मार्केट, प्रस्तावित रीवा सर्किट हाउस, सेंट्रल लाइब्रेरी, जिला अस्पताल ओपीडी, मल्टी लेवल पार्किंग तथा न्यू सिविल लाइन पार्क व रीवा रिवर फ्रंट की सौगात, वहीं पचमटा धाम का नया स्वरूप जैसे बदलने की बात कही गई है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता की एक झलक। योजना से लेके और तमाम संरचना के जो जरूरी काम थे, वो सारे काम जिस तरीके से पूरे हुए हैं, आज लोग कहते हैं कि रीवा की तस्वीर बदल गई है और रीवा के नागरिक के साथ साथ अगल बगल के जिले को लोग भी कहते हैं कि रीवा तो पूरी तरह से बदल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था, जनता के विश्वास के प्रति, जो उन्होंने लगातार महापौर, लगातार विधायक, लगातार सांसद चुनते रहे और हम लोग उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं के अनुसार काम करते रहे और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि गर्व से कोई भी व्यक्ति रीवा का ये कह सकता है कि अब हम पिछड़े जिले के व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम बहुत तेज़ी से विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाले जिले के रूप में हैं। और अभी नहीं, जितने समीक्षक हैं सरकारी मंत्रालय के स्तर पर भी, जो जब कभी समीक्षा होती है तो जिस साइज़ का रीवा है, जितनी रीवा की आबादी है, उस आबादी वाले जितने भी शहर हैं पूरे देश में, किसी ने इतनी तेज़ गति से तरक्की नहीं की जितनी तेज़ गति से तरक्की रीवा में हुई है। हमने जिला अस्पताल बनाया, उसमें 8 करोड़ की OPD हम बनाने जा रहे हैं। हम रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं जो पर्यटन के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हम जितने भी शहर के अंदर की सीवरेज सिस्टम है, जिसको शुरू किया था और फिर उस एजेंसी के फेल होने के कारण वो पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करने जा रहे हैं। वाटर सप्लाई में भी हमने आपको बताया कि 95 करोड़ की वाटर सप्लाई का काम और करेंगे, जैसे हमने 18 MLD से 54 MLD किया, वैसे हम उसको ले जाके 95 करोड़ खर्च करके उसको 75 से 90 MLD के बीच में पहुंचाएंगे। ये शहर के लिए ही किया जाने वाला काम, 200 करोड़ रुपए का यहाँ के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो केंद्र और राज्य की योजना है, उस योजना में रीवा को स्वीकृत कराने का काम करके, और सबसे पहले हमारा DPR प्रस्तुत हुआ, हमारा मंजूर हुआ, वो रीवा के जहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग की जरूरत पड़ेगी, जहाँ नए सब स्टेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ एडिशनल बड़े ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत पड़ेगी, शहर की आबादी बढ़ रही है तो जिस तरह से पानी की मांग बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से बिजली की भी अधोसंरचना की मांग बढ़ती जा रही है। तो इन सब कामों का उल्लेख हमने घोषणा पत्र में किया है और सिर्फ किया नहीं है, उसके लिए हमने बजट का प्रोविजन भी जो है उसको भी मंजूर करा लिया है और उसके क्रियान्वयन के लिए ये सब शहर के लिए किया जाने वाला है। रोजगार बढ़ते जा रहे, पानी के टैक्स हो चाहे संपत्ति के टैक्स, खाली जमीन पे भी टैक्स दे रही है, फ्री में बिजली देने का भी बात कर रहे हैं। अभी उनका घोषणा पत्र है, वो कैसे करेंगे आप उनसे पूछिएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जनता को यदि सुविधाएँ मिले तो फ्री में कोई चीज़ लेना नहीं चाहती। हम गरीबों की बात नहीं करते, जैसे कोविड के समय संकट आया तो फ्री में राशन देने का काम पिछले 2 साल से लगातार हो रहा है, लेकिन किसी भी सिस्टम को यदि चलाना है, फिल्टर प्लांट चलाने हैं, मोटर पंप चलाने हैं, तो जो
न्यूनतम आवश्यक कर है वो जनता देना चाहती है, बन सकते उसको सुविधाएं मिल जाए।